5 साल की मासूम की गले में फंसी सीटी, आवाज की जब बजाए गले से निकल रही है सीटी की आवाज, देखे वीडियो। वरिष्ठ चिकित्सक ने किया ऑपरेशन, निकाला सीटी को, फिर उजाबाद। जाने अनजाने में छोटे छोटे बच्चे ऐसी गलती कर देते हैं जो जानलेवा हो सकती है। ऐसा ही एक मामला हुआ जहां जसराना में रहने वाले 5 साल की बालिका के गले में सीटी फंस गई। दरअसल गुरुवार की शाम को बालिका मुंह में सीटी डालकर बजाकर खेल रही थी, तभी अचानक की सांस लेते समय सीटी गले के अंदर चली गई और घर वालों ने उसे लिटाया तो सीटी सांस की नली तक पहुंच गई। लेकिन बालिका के गले से आवाज की जगह गले से उसकी सीटी सुनाई दे देने पर तत्काल परिजन सेवार्थ संस्थान प्राइवेट ट्रॉमा सेंटर में ENT के वरिष्ठ चिकित्सक के पास भानु प्रताप सिंह के पास लेकर आए। बच्चे की हालत खराब होते देख तुरंत ही ऑपरेशन कर सीटी को निकाला गया, तब बच्ची की जान बच पाई। डॉक्टर भानु प्रताप सिंह का कहना है कि बच्चों को कोई भी छोटी चीज देते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह मुंह में न डाले, क्योंकि मुंह के रास्ते कोई भी चीज सांस की नली में रुककर उसके लिए जानलेवा हो सकती है। लेकिन ऑपरेशन कर इस मासूम के गले में सांस की नली में फंसी सीटी को निकाल दिया है, अब बच्ची को कोई खतरा नहीं है। डॉक्टर भानु प्रताप सिंह बताते हैं कि ऐसे भी मामले आए हैं कि जहां 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मक्का का गाना मुंह में के रास्ते गले में चला गया और सांस की नली या फेफड़े में पहुंच गया। ऑपरेशन के बाद बहुत ही मुश्किल से उसकी जान बचाई जा सकी है। और खांसो, खांसी करो और खांसो। ठीक है बेटा, आपका नाम क्या है? अंशिका। अनुष्का, अंशिका एक बार और खांसो। डॉक्टर साहब, एक बच्चे के हमने देखा कि चाइनीज गले में सीटी फंसी थी, तो इसको कैसे आपने निकाला और क्या आप लोगों को बताना चाहेंगे कि बच्चों के लिए क्या क्या चीज ध्यान रखें? ये बच्ची, इसका नाम अनुष्का था, ये 5 साल की बच्ची थी। ये हमारे पास जब आई तो इसके सांस लेने में इसको दिक्कत महसूस हो रही थी और बच्ची जब खांस रही थी, क्योंकि सांस लेने में दिक्कत थी तो स्वाभाविक है खांसी बच्ची को खूब आ रही थी और हर एक खांसी के साथ बच्ची की सीटी बज रही थी, जिससे कि हम समझ गए कि फेफड़े में कोई सीटी ऐसी चीज़ जाके अटक गई है। जब हमने बच्ची का सीटी स्कैन कराया तब उसमें देखा कि बच्ची की जो राइट साइड की जो लंग है, उसका जो एयरवे होता है, उसमें वो सीटी फंसी हुई है। बच्चे को तत्कालीन हमने फिर ऑपरेशन विधि द्वारा उसको निकाला, दूरबीन से उस सीटी को निकाला गया, जिसके बाद बच्ची एकदम स्वस्थ हो गई। और इसमें ये चीज़ होती है, समय हमें व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अगर इस प्रकार की कोई चीज़ अगर फंसती है कभी भी बच्ची के फेफड़े में या सांस की नली में, तो यहाँ पर समय की जो सीमा होती है आपके पास इतना नहीं होता है कि आप सोच समझ के यहाँ ले जाएँ वहाँ ले जाएँ। जहाँ ये सुविधा उपलब्ध हो, इस प्रकार के ऑपरेशन होते हों, हमें तुरंत बच्चे को वहाँ जाके दिखाना चाहिए। डॉक्टर, हमने यही आपके हॉस्पिटल में अभी ये देखा कि बहुत से बच्चे के गले में मक्के का दाना फंस गया, बहुत से बच्चों के छोटे छोटे सीटी फंस गए, आप ऑपरेट करके निकालते हैं, तो माँ बाप को किन किन बातों का ध्यान रखना? अभी परसों रात हमारे पास मैनपुरी से एक 8 महीने का बच्चा आया हुआ है, जिसकी माँ मक्का नुका रही थी और बच्चे ने एकदम से मक्के का दाना उठाया और खा लिया। माँ ने निकालने की कोशिश की लेकिन तब तक वो मक्के का जो दाना था वो सांस की नली में जाके अटक गया, जिससे बच्चा नीला पड़ गया, क्योंकि सांस नहीं ले पा रहा था। नीला पड़ने की वजह से वो एकदम घबरा गए कि ये क्या हुआ। उन्होंने बच्चे को ठोका, थोड़ी सी कमर थपथपाई तो वो हिला अपनी जगह से और सांस जाना थोड़ा सा शुरू हुआ। वो तुरंत वहाँ से लेके निकले और हमने यहाँ रात 10:30 बजे बच्चे को अटेंड किया तो देखा उसकी एक तरफ की जो लंग्स है वो कोलैप्स कर चुकी है और एक तरफ का लंग जो है वो बहुत ज़्यादा फूल रहा था। तो तुरंत हमने उसको ऑपरेशन किया, दूरबीन विधि से हमने उसके फेफड़े तक गए और वो मक्के के दाने को निकाला और बच्चे की जान ठीक ठाक है, बच्चा अभी बच गया है। अब लोग क्या क्या